your size. सो फ्रेंड्स, स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक और अस्तर की कटिंग हो चुकी है। सबसे पहले हम मोहरी में सिलाई चला के इसको पलट लेंगे। फिनिश करने के लिए ऊपर से स्टिच करके हम अंदर की तरफ पलट देंगे तो हमारा जो मोहरी है वो फिनिश हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। स्टोन वाला फैब्रिक है, अटैच करने में थोड़ा सा दिक्कत इसको हो रहा था जब मैं स्टिच कर रहा था। तो इसको सेंटर से मैंने स्टार्ट किया है ताकि सेंटर जो है सही तरीके से बनकर आए। सेंटर में जो मैं फ्लावर चाहता हूँ वो सेंटर में ही आए, इधर उधर ना आए। जैसे तैसे मैंने इसको अटैच करने के लिए स्टिच तो कर लिया है, बट कैंची से इसको काटने के लिए दिक्कत हो रहा था तो मैंने स्टोन जो है निकाल लिया है। स्टोन बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत हैवी फैब्रिक है। अब ये हमारा जो दोनों स्लीव्स जो है अटैच हो गया है, एंड इसके जो कटोरी वाले जो पार्ट्स हैं जहाँ पर हम कप बनाते हैं उसको मैं अटैच कर रहा हूँ, एंड जो भी सेंटर का नोच है वो मैंने यहाँ पर लगा लिया है। बस पॉइंट सेंटर का नोच लगा लिया है और अटैच हो गया दोनों साइड पर। मैं स्टिच करके एक एक साइड दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय देखने में ना लगे। अब मैं ये गले का जो पार्ट है उसको मैं अटैच कर रहा हूँ यहाँ से। इस तरीके से मैं गले का जो शेप है उस पर सिलाई चला लिया हूँ, एंड इसको किनारे किनारे से अटैच कर लेता हूँ। सामान्य तरीके से अटैच जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज को करते हैं उसी तरीके से कर लेना है। फिर भी आप देखते रहिए ये सब्यसाची ब्लाउज जो है किस तरीके से मैं बनाता हूँ। एंड यहाँ पर कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया है सिलाई में पलटने के लिए। यहाँ पर इतना जो क्वार्टर इंच है इस सिलाई में दबेगा और पलट जाएगा। एंड यहाँ भी स्टोन्स मैं निकाल निकाल कर रख रहा हूँ ताकि मेरे को जब यहाँ पर जॉइंट करूँगा तो दिक्कत ना हो। एंड ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है मैं कट कट कर निकालते जा रहा हूँ। आलपिन वगैरह मैंने इसमें अटैच करके रखा था अस्तर के साथ, वो मैं निकाल दिया हूँ। एंड एक पार्ट मैंने स्टिच कर लिया है, अटैच कर लिया है, एंड सेकंड पार्ट भी रेडी करके दिखा रहा हूँ। दोनों इस तरीके से रेडी हो चुका है, अटैच हो चुका है। एंड फ्रेंड, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी मेरे को यहाँ पर, बेल्ट जो है हमारा छोटा है और जो दिया गया बेल्ट है वो बड़ा है। एंड मैं इस तरीके से स्टिच करना चाहता हूँ, देखिए, ताकि बेल्ट जो है देखने से ऐसा ना लगे कि यहाँ पर जॉइंट है, और बेल्ट का जो पूरा लुक है वो ब्लाउज पर बनकर आए, वही लुक आए जो दिया गया है। तो मैं इस तरीके से इसको मैं नाप कर देख रहा हूँ कि कितना फैब्रिक बीच से हमको काट के निकालना है। तो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर मैं काट करके निकालूंगा सेंटर और साइड के बीच से, एंड इसको इस तरीके से यहाँ पर स्टिच करूँगा। यहाँ पर जो नीचे का जो बॉर्डर है लाइन उसको मिलाना जरूरी है ताकि वो बाहर से लुक ना हो। अगर ऊपर नीचे होता है तो देखने में मज़ा नहीं आएगा और लगेगा कि इसमें जॉइंट दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर मैं मिला के इसको देखूंगा। ये वेलवेट है, सिलने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, कपड़ा जो है आगे पीछे थोड़ा सा खसक जाता है। मैंने यहाँ पर स्टिच लगाया है तो थोड़ा सा हल्का सा एक सूत का फर्क आ गया है, और आपका ये दोस्त बुटीक मास्टर जो है थोड़ा सा भी इसमें अंतर जो है नहीं रखना चाहता है। सो इसको फिर से निकाल के मैंने फिर बॉर्डर को मिलाते हुए फिर सिल रहा हूँ मैं। थोड़ा सा भी फर्क नहीं आना चाहिए, और वेलवेट है यार, वेलवेट में जब ज्वाइंट करते हैं ना तो ज्वाइंट जो है पता ही नहीं चलेगा बाहर से देखने पर। बहुत अच्छे से मैं प्रेस भी करूंगा, देखते रहिए, मेरे वीडियो पर बने रहिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर कैसा एकदम मैच हो गया वर्क, जो है पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर वर्क है। एंड सेकेंड साइड पर उसी जगह पर कट लगाना है जिस जगह पर इधर मैं लगाया था, सेम टू सेम लुक आना चाहिए। बीच का फ्लावर मैंने निकाल लिया है ये, एंड जिस तरीके से जहां पर स्टिच किया हूं मैं दूसरे साइड पर उसी तरीके से इसको मैच करने के बाद मैं स्टिच करूंगा यहां पर।
पूरी तरीके से अच्छे से मैं वर्क को मिला रहा हूँ, सेम जगह पर जॉइंट आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं कट लगाया था फ्लावर को देखते हुए लगाया था ताकि कोई भी फ्लावर जो है अधूरा ना लगे। एंड स्टोन्स वगैरह है थोड़ा सा यहाँ पर, उसको मैं निकाल लेता हूँ एंड फिर से दूसरे साइड पर हम इसको स्टिच कर देंगे। अब स्टोन्स वगैरह जो है यहाँ पर क्लियर कर लिया हूँ एंड फिर से इसको हम स्टिच करते हैं। इस ब्लाउज को जब मैं तैयार कर लिया था तब ये ब्लाउज जो है बिल्कुल भी कहीं से जॉइंट पता नहीं चल रहा था। आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, कुछ तो खास चीज जो औरों से डिफरेंट है मेरे में वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, और आपको बहुत अच्छा चीज सीखने को मिलेगा। देखिए वर्क जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और देखने से कोई नहीं बता पाएगा कि यहाँ पर जो है जॉइंट है। अब देखिए हमारा बेल्ट भी पूरा अच्छे तरीके से आ रहा है, नोक अच्छे से बैठ रहा है ऊपर तक, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं आ रहा है। एंड एक्स्ट्रा जो कपड़ा था यहाँ पर जॉइंट पर वो मैं निकाल दिया हूँ। इस तरीके से इसको हम चीरा लगा देंगे, इसको हम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में चिरुआ बोलते हैं, इसको चीरा लगा के प्रेस कर देंगे ताकि एक ही जगह पर मोटा ना हो। एंड यहाँ पर हल्का सा वाटर जो हम स्प्रे करके मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ। प्रेस करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रेस करते नहीं बन रहा है तो मैंने थोड़ा सा पेपर रख लिया, पेपर रख के इसके ऊपर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। स्टोन्स है तो थोड़ा सा प्रेस जो है रगड़ने पर अच्छा नहीं लग रहा है। एंड ऊपर साइड से भी थोड़ा सा स्प्रे करने के बाद, वाटर स्प्रे करने के बाद मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ अच्छे से। थोड़ा सा समय जरूर लगता है बट फिनिशिंग जबरदस्त आता है। इस तरीके से प्रेस से हम इसको क्लियर कर लिए, साफ कर लिए। एंड हमारा जो सेंटर में जो फ्लावर है वो हमारे बेल्ट के सेंटर से मैच होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको स्टिच करके अटैच कर लेता हूँ। एंड फ्रेंड, यहाँ से मैं एक मुझसे गलती हो गया था, मैं डायरेक्ट यहाँ से अटैच करना स्टार्ट कर दिया था, जबकि ये पैड वाला ब्लाउज है। पैड वाले ब्लाउज में क्या होता है कि बेल्ट जो है डबल होता है, सेकेंड पार्ट का जो बेल्ट है वो अटैच करके हम अंदर की तरफ पलटते हैं तब वहां पर हमको फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट जो है तैयार होता है। सो फ्रेंड, जिस समय मैं इसको स्टिच कर रहा था उस समय मैं भूल गया था कि ये पैड वाला ब्लाउज है और इसमें हम डबल अस्तर लगाते हैं। एक अस्तर जो है अंदर की तरफ रख के अटैच कर लेना था और सेकेंड अस्तर से मुझे पलटना था। सो मैं पहला ही अस्तर से इसको अंदर की तरफ पलट दिया हूँ। ये देखिए कमर जो है फिनिश हो गया, अंदर की तरफ पलट दिया हूँ। सो कोई नहीं, देखते रहिए, आगे मैं इसको ठीक करूंगा। और ये इस तरीके से यहाँ पर फिनिश हो जाता है और मैं यहाँ पर कमर पर सिलाई भी चला रहा हूँ। इसको पलटने के बाद जहाँ पर वर्क का लाइन है वहाँ पर स्टिच कर रहा हूँ ताकि जो सिलाई जो है दिखे ना करके। एंड इसको मैं पूरा अटैच कर रहा हूँ। अगर हम बिना पैड वाला ब्लाउज बनाएंगे तो इसको इसी तरीके से जैसे मैं स्टिच कर रहा हूँ उसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। सो पैड वाला ब्लाउज है इसलिए मैं आगे चलकर इसको थोड़ा सा ठीक करूंगा, आप देखते रहिएगा। उस समय मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे पैड वाला ब्लाउज बनाना है करके, इसलिए मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है अटैच करने के बाद हम काट कर निकाल लेंगे। सब्यसाची ब्लाउज बनाने के बाद फिटिंग बहुत जबरदस्त आता है। मार्केट में इस ब्लाउज का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। आजकल लगभग जो सब्यसाची ब्लाउज है वो सभी टेलरों के पास अब पहुँचने लगे हैं। पहले तो ये बहुत बड़े मॉडल्स लोग पहनते थे, इसको देखने को नहीं मिलता था सामान्य हमारे मार्केट पे और लोगों तक पहुंचा नहीं था, अब पहुंचने लगा है। ये देखिए हमारा बेल्ट जो है तैयार हो गया एंड सारे पार्ट्स मैंने अटैच कर लिए हैं। एंड इसको ये जो है बैक साइड है, बैक साइड पे हमको बॉर्डर भी लगाना है। नीचे की तरफ बॉर्डर दिया गया था। ब्लाउज का लंबाई जो है ज़्यादा था इसलिए मैंने उसका जो बॉर्डर है उसको निकाल कर अलग से काट कर रख लिया है। एंड इसको अटैच करने के बाद, पीछे पल्ले के अस्तर को अटैच करने के बाद मैं नीचे बॉर्डर अलग से लगा दूंगा। एंड बॉर्डर मैं इस तरीके से लगाऊंगा कि वो भी
ऐसा ना लगे कि अलग से स्टिच किया गया हो, ऐसा लगेगा कि उसी के साथ दिया गया है, उसी के साथ ही बना हुआ ऐसा लगेगा, सिला हुआ नहीं लगेगा। एंड यहाँ भी स्टोन्स की प्रॉब्लम जो है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्योंकि ब्लाउज स्टोन वाला है तो स्टोन निकाल निकाल कर तो स्टिच करना ही पड़ेगा। एंड गले के शेप से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूर सिलाई चलाया है, क्वार्टर आधा इंच वहाँ से मैंने कटिंग कर लिया है गले को शेप देते हुए। इसी तरीके से गले को शेप दे देना है एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है यहाँ पर कट करके निकाल लेना है। और ये हमारा बेक पल्ला जो है रेडी हो गया है, अटैच हो गया, सॉरी रेडी तो नहीं हुआ है, अटैच हो गया है। एंड यहाँ पर सिलाई के लिए गले के पर मैंने मार्जिन छोड़ दिया है एंड सेकंड पल्ला भी मैं इसी तरीके से कर लेता हूँ। एंड ये देखिए दोनों जो है रेडी हो गया है। मैं एक ही पल्ले को आपको सिलकर इसलिए दिखाता हूँ कि टाइम ज़्यादा ना लगे देखने पर, क्योंकि सेकंड पल्ला भी उसी तरीके से सिलना है। ये हुक आई की पट्टी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये जो है आई पट्टी है, इस तरीके से मैं आई पट्टी बनाता हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है एंड को इस तरीके से मैं मोड़ लेता हूँ तो यहाँ पर जो है कवरिंग हो जाता है एंड इंटरलॉक वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ता है, धागा वगैरह जो है फुचड़ा जो है बाहर नहीं निकलता है। एंड यहाँ पर इस तरीके से प्रेस सिलाई चला लेना है एंड इसको मैं बराबर कर लेता हूँ। ये हमारा बैग पल्ला रेडी। एंड सेकंड साइड पर बनाना है हुक की पट्टी। हुक की पट्टी बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है फैब्रिक का एंड इसको इस तरीके से क्वार्टर इंच के आसपास मैं यहाँ पर मार्जिन छोड़ता हूँ, 0.4 छोड़ता हूँ, क्वार्टर इंच से थोड़ा ज़्यादा और आधा इंच से थोड़ा कम। एंड इस तरीके से इसको हम यहाँ पर हुक आई की पट्टी बना लेंगे। ये हुक आई की पट्टी हमारी बन रही है, स्टोन से इसे धीरे सिलना पड़ता है। फ्रेंड्स काफ़ी समय से मैं वीडियो पर काम नहीं कर पा रहा था, बहुत समय से ये जो रिकॉर्डिंग है मेरे पास पड़ा हुआ था, बहुत समय बाद थोड़ा सा मूड हुआ है। मेरी तो लगभग इच्छा ही खत्म हो गया था कि वापस मैं वीडियो पर काम करूं, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा था। फिर ख्याल आया कि मैं भी वीडियो बनाता हूँ यार, मेरे बहुत सारे वीडियो जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। और ये पेंडिंग वीडियो को जब देखता हूँ ना तो आगे काम करने का इच्छा नहीं होता और कुछ दूसरा जो है अपलोड करने की इच्छा नहीं होता, इसलिए मैं जो पेंडिंग वीडियो पड़े हुए हैं जो अधूरे हैं उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आगे काम करता हूँ। हो सकता है कि मैं इस बार कंटिन्यू काम करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काम का कोई भरोसा नहीं होता है। एंड इस तरीके से मैं बकरम यहाँ कट कर लिया हूँ, इसको हम लोग बकरम बोलते हैं, कई लोग कैनवास बोलते हैं। एंड गले के लिए इसको हम गले के शेप में काट के इसको हम कपड़े पर अटैच कर लेंगे। इस तरीके से मैं अटैच कर लेता हूँ, प्रेस करके भी इसको हम चिपका सकते हैं एंड इस तरीके से इसको नीचे की तरफ मैं एक्स्ट्रा इसको मोड़ लेता हूँ, जो एक्स्ट्रा है मोड़ने के लिए कपड़ा मैंने इसीलिए छोड़ा था, इसको मोड़ना है करके। एंड गले की साइड पर जो है गले का शेप जो है वहाँ पर पूरा बराबर रखना है, क्योंकि ये गले के शेप के बराबर ही कटा हुआ है। जब हम बकरम को कपड़े पर चिपकाते हैं तो इसको फ्यूजिंग करना बोलते हैं, ये फ्यूज करके मैंने इसको चिपका लिया है, पेस्ट कर लिया है। और ये हमारा जो गले की पट्टी है वो तैयार हो गया है। एंड देखिए यहाँ पर जब मैं अटैच करूँगा तो खास तौर पर यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं जो गले का जो पट्टी है, जो बकरम है मैंने तैयार किया है, उसको कैसे लगाता हूँ। थोड़ा सा आधा इंच मैंने ऊपर की तरफ खसका दिया है, निकाल लिया बाहर और इसको खींच के सील रहा हूँ। इसका मतलब है मैं गले को अंदर की तरफ छोटा करके लगा रहा हूँ, खींच के लगा रहा हूँ, उसको सिकुड़ जाना चाहिए थोड़ा सा हल्का सा जो हमारा गले का जो फैब्रिक है, ताकि गला जो है बाहर की तरफ मत गिरे। अगर हम सामान्य तरीके से लगाएंगे तो बाहर की तरफ जो हमारा गला है वो गिरता है। एंड किनारे एकदम किनारे स्टिच करने के बाद इसको मैं पेन से वर्क के किनारे इसको मार्किंग किया हूँ और वहीं पर सिलाई चला रहा हूँ, ताकि हमारे पास वर्क के साइड से ही सिलाई हो और वहीं से ये जो है अंदर की तरफ पलटे और ओनली वर्क जो है दिखाई देगा। तो यहाँ पर गले में फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आएगा, लुक अच्छा आएगा और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा प्लेन फैब्रिक दिखाई नहीं देगा। एंड सेकंड साइड पर फिर से हम इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पर हमको ऊपर की तरफ आधा इंच निकालना है, यहाँ पर इसी तरीके से किनारे किनारे स्टिच कर लेना है एकदम किनारे, क्योंकि ऊपर से हमको वर्क तो दिखाई नहीं देता है। एंड इसको मैं नाप कर देख रहा हूँ कि दोनों साइड जो है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, गले का जो साइज है दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं पेन से इसको मार्किंग कर लिया हूँ कि हमारा वर्क कहाँ पर है एंड कहाँ पर सिलाई चलाना है। एंड इस तरीके से वर्क को मैं चेक कर लेता हूँ सही जगह पर सिलाई हुआ है कि नहीं एंड इसको नोच लगा देंगे।
नोच लगाने पर ही जो कपड़ा है अंदर पलट पाता है। एंड यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे प्रेस सिलाई, एंड इसको हम अंदर की तरफ जब पलटेंगे तो फिनिशिंग कंप्लीट हमको दिखाई देगा। एंड सॉरी फ्रेंड्स, मेरे को थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो गया है, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा सांसों की आवाज़ जो है आ रही होगी। एंड यहाँ पर स्टोन्स वगैरह मैं फिर से निकाल रहा हूँ टक्स डालने के लिए। स्टोन्स वाले ब्लाउज में को थोड़ा सा धीरज के साथ बनाना पड़ता है, आराम से स्टोन्स वगैरह धीरे धीरे निकाल निकाल कर, ये काम जो है बहुत आराम से करने का है। एंड यहाँ से मैं जहाँ मार्किंग करके देख रहा हूँ कि कहाँ तक हमारा जो टक्स आ रहा है, और टक्स के लाइन में आने वाले स्टोन्स को मैं निकाल रहा हूँ और इसको स्टिच कर रहा हूँ। लीजिए, हमारे दोनों साइड पर गले की पट्टी जो है ऐड हो गया है। अब मैं नीचे ऐड करूँगा बॉर्डर, एंड बॉर्डर को मैं नीचे से स्टिच करके ऊपर की तरफ पलट दूंगा, क्योंकि हमको कमर की पट्टी तो लगानी ही पड़ती है, तो ये बॉर्डर के साथ ही फिनिश हो जाएगा और मुझे कमर पर अलग से और पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, मैं बॉर्डर को नीचे की तरफ से सिल लिया हूँ, जितना उसमें आधा इंच मैंने गेप कट किया था, और बॉर्डर पर भी मैंने सिलने के लिए मार्जिन रखा था आधा इंच। उसको सिलने के बाद मैं इसको ऊपर की तरफ ये पलट रहा हूँ, थोड़ा आराम से करना पड़ता है, वेलवेट है, थोड़ा सा भी अगर हड़बड़ी करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं तो ये आगे की तरफ खसक जाता है पट्टी जो है। अगर आप वेलवेट स्टिच किए होंगे तो आप समझ सकते हैं कि वेलवेट को सिलना थोड़ा सा दिक्कत जाता है। कोई नहीं, ये जो वेलवेट है वो बहुत बढ़िया वेलवेट है, बहुत अच्छे क्वालिटी का है, तो इसमें उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। एंड सेकेंड साइड पर भी इसी तरीके से हम स्टिच करके ऊपर की तरफ हम इसको पलट लेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि आपको आने वाले वीडियो जो है मिल सकें, नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। सो सेकेंड साइड पर मैं ये पट्टी जो है बॉर्डर जो है अटैच कर रहा हूँ, अंदर की तरफ से सील रहा हूँ और ऊपर की तरफ पलट दूंगा। सो हमारा बॉर्डर ऊपर की तरफ आ जाएगा और हमको कमर पट्टी पर हमको हैमिंग तुरपाई वगैरह भी नहीं करना पड़ेगा, और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा जो ब्लाउज है वो रेडी हो जाएगा। सो ये जो हमारा नीचे का जो बॉर्डर है सेकंड साइड पर कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा मोटा हो गया है फोल्ड जहाँ पर कर रहा हूँ लास्ट में, वेलवेट काफ़ी मोटा है, ब्लाउज का जो कपड़ा है बहुत मोटा दिया गया है। एंड ये जो है कंप्लीट हो गया, हमारा बॉर्डर जो है नीचे की तरफ लग गया है। एंड सेकंड पल्ला भी तैयार मैं कर चुका था। फ्रेंड्स, ये है वो बेल्ट जो मेरे से गलती हो गई थी, इसमें एक और अस्तर मेरे को यहाँ पर लगाना है। सो ये वाला जो अस्तर है मैं निकाल लेता हूँ, पहले स्टिच खोल लेता हूँ। A few moments later. एंड ये जो है मैंने स्टिचिंग यहाँ पर खोल लिया है, अब इसको मैं ऐसा पैक कर दिया था, इसको खोल लिया हूँ। एंड ये जो अस्तर मेरे पास है इसको भी यहाँ पर ऐड करना है मेरे को, इसी के साथ इसको ऐसा फिनिश करना है, और पहले वाले अस्तर को सिर्फ इसके साथ अटैच करना था, उसको पलटना नहीं था, कवर नहीं करना था। तो ये नीचे की तरफ जो है मैं इसको खोल लिया हूँ, इसी तरफ बस पैक किया था। एंड जो स्टिचिंग खुल गई थी उसको मैं यहाँ पर फिर से ठीक कर लेता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इसको सील के मुझे रखना था, ओनली अटैच बस करना था। घिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कभी ना कभी गलती हो जाता है फ्रेंड्स। सो इसी तरीके से मेरे से भी यहाँ पर गलती से मैंने उसको गलत ऐड कर लिया था। फ्रेंड्स, ये मैंने अटैच करके जो फ्रंट पार्ट रखे हैं, आइए इसको हम स्टिच करते हैं। यहाँ पर मैं सेंटर कट नहीं किया हूँ, ये जो गले का जो ऊपर साइड का पल्ला है यहाँ पर सेंटर कट लगाना है, जो हमारा बस्ट पॉइंट है ये कट लगाना हूँ, वहाँ पर नोच लगाया हूँ। एंड दोनों साइड पे लगा लेते हैं इसको। एंड ये जो कटोरी का साइड पार्ट है उसको सेंटर से स्टिच करना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंटर से अगर हम कप साइज़ को स्टिच करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो
कप साइज है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, बहुत अच्छे से पफ बनता है, सही जगह पर बनता है। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे जो कप साइज है बहुत अच्छे से यहाँ पर बन कर आया है और बहुत सुंदर भी यहाँ पर दिख रहा है, जो वर्क है बहुत प्यारा है यहाँ पर। एंड सेकंड साइड पर भी हम इसी तरीके से सेंटर से ऐड करेंगे। यहाँ से मैं सेंटर से इसको स्टिच कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक तो बिल्कुल कर ही दीजिए वीडियो को देखते हुए। फ्रेंड्स, जो मैं सबसे अलग बात, जो मैं थोड़ा सा हट के काम करता हूँ, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसको चीरा यहाँ पर लगा देते हैं, प्रेस से इसको चीरा कर देते हैं जहाँ पर हमने स्टिच किया है। चीरा करने के लिए जब हम सिलाई करते हैं, डबल भी अगर करते हैं, तो सिलाई हमको एक सिंगल सिलाई दिखाई देना चाहिए। कहने का मतलब यह है, दो स्टिच के बीच में जरा भी गैप नहीं होना चाहिए, तब सही तरीके से हम यहाँ पर चीरा लगा सकते हैं, चीरवा कर सकते हैं। एंड इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा पानी स्प्रे करके प्रेस कर रहा हूँ। एंड ऊपर की तरफ, क्योंकि वेलवेट है, वेलवेट हमारा प्रेस से ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने इसको पेपर रख लिया है और उसको चीरा लगा रहा हूँ। अभी भी मैंने वो चीज़ नहीं बताया है जो मैं सबसे हटकर और डिफरेंट चीज़ आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आप देखते रहिए, आगे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको चीरा लगा लिए हैं। एंड सेकंड पल्ले में भी हम इसी तरीके से चिरवा हम कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस काम को बहुत इत्मीनान से करना पड़ता है, काम का पागलपन आप कह सकते हैं, बहुत धैर्य होना चाहिए, धीरे धीरे आराम से इसको करना है। हड़बड़ी करेंगे तो ये जो है चिरवा जो है ढंग से नहीं होगा, और वेलवेट है तो फूल जाएगा, और जो पहनने पर जो चिरवा है वो फूल जाएगा या अपने जगह से डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो जो फिनिशिंग है दिखाई नहीं देगा। तो इसको आराम से एकदम हल्के हाथ से करना है। मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड बढ़ा के रखा है क्योंकि काम धीरे कर रहा हूँ और स्पीड बढ़ा दिया हूँ, तो उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है। तो आराम से इसको अच्छे से वाटर स्प्रे करके इसको चीरा लगाना है। तो इसके बाद ये है सबसे अलग काम, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना यहाँ पर, ये कोट में भी आपको दिखाई नहीं देगा। जो कोट बनाते हैं हम लोग भी इस तरीके से नहीं करते हैं। देखिए, इसको मैं तुरपाई कर रहा हूँ, जो इसके पार्ट्स मैंने चिरवा किए हैं दोनों तरफ, उसको तुरपाई कर लेना है। तुरपाई करने से क्या होगा, ये अपने जगह पर ही बना रहेगा, जो चिरवा हमने किया है कपड़ा, जो वेलवेट ये जो है ये फूलेगा नहीं, और जब तक इस ब्लाउज का लाइफ रहेगा तब तक यहां पर वो चिरवा रहेगा। और इसका लुक मैं बता नहीं सकता फ्रेंड्स, आपको वीडियो में क्या बताऊं, और आप इसको छूकर फील नहीं कर सकते। इसका फिनिशिंग बहुत जबरदस्त आया था, ब्लाउज देखने से मन जो है प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा मैंने इस ब्लाउज को बनाया था। अब ये जो है दोनों तरफ इसी तरीके से मैंने कर लिया है, क्योंकि दोनों तरफ अगर मैं दिखाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक तरफ दिखाऊं और एक सेकंड साइड पर आप खुद समझ जाएंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर गला बनाने के लिए मैं बकरम काट लिया हूँ। एंड आगे का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट आगे का जो काम है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।